Friends, welcome to this episode, and we would learn some techniques about writing. Before starting, I would like to share with you one incident regarding writing. University library mein I was reading a magazine. It was called UGC magazine, University magazine. उसमें एक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें जो राइटर ने बताया कि इंडिया में स्कॉलरशिप का और राइटिंग का ये लेवल है कि स्टूडेंट इंटरमीडिएट बीए एमए एमएससी कर लेते हैं, फिर भी उनको जो है एक सेंटेंस सही से लिखना नहीं आता. दे कैन नॉट राइट वन पैराग्राफ करेक्टली. मुझे लगा कि क्या मैं भी इसी तरह से यूनिवर्सिटी से दिल्ली से पास होकर के और उसके बाद मुझे भी लिखना नहीं आएगा. और अगर जो सपोज कीजिए कि कोई आदमी एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ाई कर रहा है तो वो राइटिंग नहीं सीख पाया, तो फिर बाहर जाकर के तब कब सीखेगा और कहाँ सीखेगा. तो मुझे लगा कि इस पे मेहनत करनी चाहिए और एक कमांड होना चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूँ, मुझे श्योर हूँ, मैं सर्टेन हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ. तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं 5 पॉइंट आपके लिए आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. पहला चीज ये है कि जो सेंटेंसेस हो एक मीडियम नंबर ऑफ वर्ड्स के हों, करीब जो है 14-15 से लेकर के 20 वर्ड्स के हों. हम देखते हैं पढ़ते हैं तो एक एक सेंटेंस जो है 100-100 वर्ड 200-200 वर्ड्स के होते हैं. मैंने ये भी देखा कि एक सेंटेंस जो है एक पैराग्राफ का होता है, खत्म ही नहीं होता. तो अभी आप ये देखिए, एक सेंटेंस मैं कहीं से इसको लाया हूँ और ऐसा नहीं है कि ये 10 साल पहले गया है, ये 2020 का ये लिखा हुआ ये सेंटेंस देखिए. तो जब आप लिखें तो ये कोशिश करें कि ये सेंटेंस जो है ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ड का हो. नेक्स्ट ये है कि हम ये देखें कि जो बिगनर्स होते हैं, जो लिखना शुरू करते हैं, अक्सर उनको वो बिल्कुल छोटा सेंटेंस बनाएंगे, दैट द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे. आई एम साइकिलिंग ऑन द रोड, ऐसा सेंटेंस भी लिखेंगे तो इट वुड हैव नो ब्यूटी. तो आप देखें कि मैं यहाँ एक एग्जांपल दिया हूँ कि अ बॉय केम टू माय लॉन, एक ये सिंपल एक वर्ड है और इसको किस तरह से हम लोग इसको बड़ा कर सकते हैं. इस सेंटेंस को मैंने फिर आगे बड़ा किया कि जैसे 10-year-old बॉय केम टू माय लॉन इन द इवनिंग. दो चीज एड कर दिया इसमें कि 10-year-old बॉय है और वो कब आया मेरे लॉन में, मैंने ये ऐड कर दिया. उसके आगे फिर मैंने और इसको बड़ा बनाना चाहा तो 10-year-old बॉय इन अ मरून शर्ट केम टू माय लॉन इन द इवनिंग. तो इस तरह से 5-7 वर्ड के सेंटेंस को मैंने 24 वर्ड का सेंटेंस बनाया. तो इस तरह से दिस इज हाउ यू कैन मेक द सेंटेंस लॉन्गर. अगर जो सेंटेंस आपका सिर्फ 10 वर्ड का रहेगा, 7 वर्ड का रहेगा, तो इट वुड नॉट अपियर गुड इम्प्रेसिव. और इस तरह से दिस इज द टेक्निक थ्रू विच यू कैन मेक द सेंटेंस लॉन्गर. एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक है ये जनरली जो ऐसे मिसिंग होता है हमारे लिखने में कि यूज डेफिनेट स्पेसिफिक कंक्रीट लैंग्वेज. जब आप लिखें तो आपका सेंटेंसेस जो है डेफिनेट स्पेसिफिक और कंक्रीट लैंग्वेज हो. इसका मतलब क्या होता है, हम लोग देखें, हम लोग दो सेंटेंस देखेंगे और उसके उससे फिर जो है ये दोनों में डिफरेंस हमको समझ में आएगा. थाउजेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स आर पुशिंग एन ऑनलाइन पिटीशन दैट रेजेस कंसर्न ओवर गोइंग अहेड विद द एनुअल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम ऑन इट्स शेड्यूल्ड 4 अक्टूबर डेट. हम लोग बोल रहे हैं एस्पायरेंट्स, तो कौन एस्पायरेंट्स है ये? अच्छा, दे आर पुशिंग द ऑनलाइन पिटीशन, मतलब क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पिटीशन को पुश कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं. That raises concern, क्या concern ऐसे raise कर रहे हैं, किसको ये ऐसे concern raise कर रहे हैं, जो petition ये डाल रहे हैं, push कर रहे हैं, कहां किसको petition ये push कर रहे हैं. और UPSC exam क्या हुआ, किस exam की बात कर रहे हैं. तो इस sentence को हम इस तरह से concrete definite जैसे language में इस तरह से डाल सकते हैं. देखिए कि thousands of civil services exam aspirants, फिर क्या कर रहे हैं कि they have submitted an online petition. अब सबमिटेड वर्ड यूज हो रहा है, ये स्पेसिफिक है, कंक्रीट है. दे आर नॉट पुशिंग, दे आर बेसिकली सबमिटिंग एन ऑनलाइन पिटीशन. कहां सबमिट कर रहे हैं, टू द यूपीएससी. उसके बाद फिर आगे क्या कर रहे हैं कि दे आर टेलिंग इट दैट इट शुड नॉट कंडक्ट द एनुअल प्रिलिमिनरी एग्जाम शेड्यूल्ड ऑन 4 अक्टूबर. उसी तरह से आगे देखें, स्पीकिंग टू दिस न्यूज़पेपर सेवरल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स सेड they were grateful to the government for postponing the exam once but sought
and other defilement in the interest of their health as well as to curtail the spread of the virus. ये भी अनस्पेसिफिक है, कंक्रीट नहीं है और इसमें कई तरह का प्रॉब्लम, इसमें कई तरह का बीमारी है इस सेंटेंस में. इसको रीफ्रेम किया है आपके लिए और आप इसको देखिए. जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए कि जैसे हम सिर्फ कहें कि आई बॉट ए कार, मैंने कार खरीदा. अगर जो उसी चीज को मैं कहता हूं कि कंक्रीट स्पेसिफिक लैंग्वेज में ये कहूं कि आई बॉट ए ब्लैक कार, ए ब्लैक कलर स्कोडा रैपिड फ्रॉम मजनू मोटर्स साउथ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली फॉर रुपीज डॉट डॉट डॉट. कितना चीज मैंने ऐड किया, कार की जगह पर मैंने बताया कि कौन सा कार, किस कैसा कलर, कौन सा मॉडल का, कहां से खरीदा, मजनू मोटर से खरीदा, किस जगह से खरीदा, कितने रुपए में खरीदा. तो इट मेक्स द होल थिंग मोर इम्प्रेसिव, बेटर, अपीलिंग फॉर द रीडर. यूज एक्टिव वॉइस. मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जनरली किताबों में एकेडमिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैसे पैसिव वॉइस का यूज करते हैं और कितना डिफिकल्ट होता है समझना. ये एग्जाम्पल रियल लिखा हुआ है, उससे मैं आपको दिखा रहा हूं. और वो ये कह रहा है कि ए कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज इन केमिस्ट्री इन विच द नेम ऑफ द सेट कैंडिडेट वॉज रिकमेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएचडी कोर्स अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ द प्रपोज सब्जेक्ट of the research approved by the board of studies in chemistry on date is enclosed. So hum yahan directly kahe ki I am forwarding a copy of the resolution of board of studies in chemistry passed on May 20, 2015. aage fir dusra sentence bana de ki the board void this resolution recommended the name of the candidate for registration in phd course. I am also sending a copy of the letter of the proposed subject on which the candidate would do research. The board has approved the subject also. तो ये ऐसा है, ऐसा सेंटेंस को, इसको इस सेंटेंस को कोई भी 10वां 12वां क्लास का स्टूडेंट पढ़ करके इसको समझ सकता है. हम जब सेंटेंस लिखें तो एक टेक्निक है कि बिगिन सेंटेंस विद सब्जेक्ट एंड वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब को क्लोज रखेंगे तो पढ़ने वाले को वो काफी आसानी से वो बात समझ में आएगा. जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स सबमिटेड एन ऑनलाइन पिटीशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्टिंग इट नॉट टू गो अहेड विद द सिविल सर्विसेज एग्जाम शेड्यूल्ड फ्रॉम 4 अक्टूबर. तो यहां पर देखिए थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट ये सब्जेक्ट हो गया और सबमिटेड एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो सबमिटेड हो गया वर्ब. यहां पर बिल्कुल सब्जेक्ट के करीब है वर्ब और ये सेंटेंस जो है इसे पढ़ने वालों को आसान लगेगा, समझ में आएगा. अब देखिए कि वर्ब को हम कहां ले आते हैं और इससे सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा. सेंटेंस है कि द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द 3 स्टेज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वॉज इनिशियली शेड्यूल्ड फॉर 31 मई. तो यहां पर हम वाज जो है वर्ब को देखिए कितना दूर लेकर के गए हैं. तो इस तरह से सेंटेंस को समझने वाले को दिक्कत होगा. अगर जो हम वाज को करीब रखेंगे, ऐसा सेंटेंस फ्रेम करेंगे कि द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वाज, तो ये जो है समझने वाले को आसान होगा. तो अब मैं, बहुत बात लंबी हुई, अब मैं यहीं पर रुकूंगा और फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग दूसरे नए टेक्निक सीखेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.